नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी 2-11। आईआईटी और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, क्लासेज नर्सरी 2, 9 एंड 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी 2 क्लास 9th एंड 11। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरा पट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और आजमगढ़ जिले में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर गाने की फरमाइश को लेकर बवाल हो गया। डीजे संचालकों व बरातियों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक युवक की मौत हो गई। आजमगढ़ जिले के तहबरपुर बाजार में शुक्रवार की देर रात डीजे संचालकों व बरातियों में पसंदीदा गाना बजाने के विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई तो कई अन्य घायल हो गए। बरात रानी की सराय के सोनवारा से तहबरपुर के भुईधरपुर दलित बस्ती में गई थी। पुलिस एक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रानी की सराय के सोनवारा से एक बारात शुक्रवार को तहबरपुर के भुईधरपुर दलित बस्ती में गई थी। पसंदीदा गाना बजाने को लेकर कुछ बरातियों का डीजे वाले से विवाद हो गया। बराती व घराती पक्ष के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। इसके बाद डीजे संचालक अपना डीजे लदा वाहन लेकर मौके से भाग निकला ताकि विवाद और न बढ़ने पाए। डीजे वाला तहबरपुर बाजार में पहुंचकर अपना गाड़ी रोक दिया। इसी बीच 2 से 3 बाइक सवार 6 बराती भी लाठी डंडे के साथ पीछा करते हुए पहुंच गए और डीजे वालों पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें बराती 28 वर्षीय प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 21 वर्षीय दिवस व 20 वर्षीय प्रमोद घायल हो गए। सूचना पर तहबरपुर थाना पुलिस के साथ ही एएसपी ग्रामीण व सीओ मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल भेजने के साथ ही मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। एक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। मृतक प्रदीप एक पुत्र व 2 पुत्रियों का पिता था। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 3 मई की रात 12 बजे डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि तहबरपुर कस्बा में 5-6 लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है जबकि 2 घायल है। इस सूचना पर तहबरपुर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एसपी ग्रामीण और सीओ भी पहुंचे। घायल व्यक्तियों का इलाज करवाया गया एवं तहरीर प्राप्त कर धारा 302 के तहत नामजद मुकदमा श्रेयांश, रोहित और सनी के विरुद्ध दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच में यह पाया गया कि तीनों आरोपित डीजे बजाने वाले हैं, जबकि जिसकी मृत्यु हुई है और 2 घायल है यह सभी बाराती थे जो रानी की सराय थाना क्षेत्र से आए हुए थे। बारात में डीजे में गाना बजाने को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि एक आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जा रही है, जबकि 2 अन्य की तलाश के लिए टीमों का गठन किया गया है। घटना ये हुई थी, वहाँ पे डीजे जब बज रहा था तो वहाँ पे मतलब एक और एक गाना 2 गाना बजाने के लिए नहीं होता, शादी में वैसे हो रहा था लफड़ा। ठीक है, हमने उसको बोला कि भाई देख जब लफड़ा हो रही है तो बंद कर चला जा, लफड़ा बढ़ जाएगी। उसी में 4-5 लोग थे, लफड़ा कर दिए। उसके बाद हम लोग आ रहे थे वापस घर पे, तो रास्ते में देखे तो बराती समझ के हमें पाए, हमें ही कर दिए। मतलब आप लोग उतना नहीं लड़ाई किए, लेकिन आप लोग को मतलब कि बराती होने के चलते मार दिए वही। और ये बराती से ही गए थे ये?
डीजे वाले यही कहते हैं डीजे वाले। 3 मई 2024 को रात्रि लगभग 12 बजे 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना तैवरपुर में कस्बा तैवरपुर मार्केट के पास में 5-6 लोगों में आपस में विवाद हो गया है, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु और 2 व्यक्ति घायल हो गए, ऐसी सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तत्काल थाना तैवरपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ एवं एडिशनल एसपी में स्वयं मौके पर पहुंचा। वहां पर एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर रूप से घायल अवस्था में था और 2 अन्य व्यक्तियों को चोटें थी, जिसको तत्काल भिजवाया गया हॉस्पिटल, उसको डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया और उसको पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी में रखवाया गया। जो 2 गंभीर व्यक्ति थे उनकी वहाँ पर इलाज कराया गया और उनकी प्राथमिकी कराई गई, जिसके बाद उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर इसमें धारा 302 के तहत 3 व्यक्ति नामजद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया, जिनके नाम हैं श्रेयांश, रोहित और सन्नी। जांच करने पर तथ्यों में यह प्रकाश में आया है कि जो अभियुक्त हैं वो डीजे बजाने वाले हैं, तथा ये जो 3 लोग जिनको चोटें आई हैं और जिनमें से एक मृत हो गया है, वो बाराती के रूप में गए थे। रानी सराय से ये लोग तैवरपुर गए थे एक बारात में, जिसमें डीजे बजाने को लेकर, गाने बजाने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि इन्होंने ये घटना कारिज की है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, अन्य जो कि गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। गोरखपुर जिले में आजमगढ़ की युवती से रेप के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ शनिवार को भोर में हुई। दबिश के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर तमंचा से फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई। भागने के दौरान आरोपी को पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली 20 वर्षीय युवती घरवालों से किसी बात पर नाराज होकर गुरुवार की सुबह 7 बजे के करीब घर से निकली और गोरखपुर आ रही रोडवेज की बस में सवार हो गई। इसी बस में आरोपी ताहिर अली भी सवार था। उसने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर बहला फुसला लिया। उसके साथ सहजनवा थाना क्षेत्र के रानुखोर गांव में आमी नदी के किनारे रेप की घटना का अंजाम दिया गया। शुक्रवार की सुबह 4 बजे के आसपास गांव में जाकर लोगों को घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र में शनिवार को भोर में हुई मुठभेड़ में रेप के आरोपी को पुलिस और एसओजी टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है, उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी पहचान संतकबीर नगर के खलीलाबाद कोतवाली थाना क्षेत्र के ट्यूबवेल कॉलोनी मोती नगर के रहने वाले ताहिर अली पुत्र मोहम्मद हसन के रूप में हुई है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस संबंध में एसपी नार्थ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि रेप के आरोपी संत कबीर नगर के रहने वाले ताहिर अली को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर महोदय द्वारा महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में आज थानाध्यक्ष सहजनवा और एसओजी प्रभारी द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 376D के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम मोहम्मद ताहिर अली सनौ मोहम्मद हसन है, जो खलीलाबाद का रहने वाला है। उसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना सहजनवा पर 376D का आरोप पंजीकृत। जनपद में भयंकर गर्मी ने अपना प्रकोप दिखाना जारी रखा है। उसका तेवर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बावजूद इसके नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा भयंकर गर्मी को देखते हुए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। एबीसी संवाददाता प्रदीप यादव के मुताबिक चिलचिलाती धूप में रोजमर्रा के कार्यों से निकले राहगीरों, मरीजों, छात्र छात्राओं एवं बड़े बुजुर्गों को गर्मी के चलते भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन द्वारा कड़ी धूप को देखते हुए प्रमुख चौराहों पर शीतल पेयजल की किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।
कड़ी धूप के चलते प्यास के मारे लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इसके अलावा भारत सरकार और प्रदेश सरकार की प्रमुख जल जीवन मिशन योजना का भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा। अति व्यस्त नगर के दो प्रमुख चौराहे तिराहे सिविल लाइन व गिरजाघर चौराहा पर राहगीरों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां जनता प्यास बुझाने के लिए खरीद कर पानी पीने को मजबूर है। कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग खाली खरीद के पी सकते हैं, लेकिन नगर पालिका ने कोई व्यवस्था नहीं की यहाँ पे। और इतनी गर्मी ज्यादा है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 40-42 से ऊपर ही डिग्री सेल्सियस चल रहा है। और ये हालत में देखिए, कोई भी आदमी कहीं भी देखिए कहीं पानी के लिए भटक रहे हैं सब लोग। और सिर्फ खरीद सकते, जिनके पास पैसे है वही खरीदेंगे, बाकी गाँव के ग्रामीण लोग यहाँ पे जिनको काम रहेगा वो बेचारे भटक रहे हैं यहाँ वहाँ के लिए। सोचते हैं नगर पालिका यहाँ पानी की व्यवस्था करे। और वो देखिए रोड की भी तो ठीक है, साफ सफाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी पानी की व्यवस्था ना, टॉयलेट की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। चौराहे पे पानी की व्यवस्था है कि नहीं आपकी? यहाँ पानी की व्यवस्था कहाँ है, अंदर से लेके आ रहे हैं। अच्छा, चौराहे पे पानी ज़्यादा नहीं लगा है? नहीं। क्या नहीं लगा है? पानी इधर नहीं लगा है। कहाँ पानी पीने जाना पड़ता है? पानी अंदर से लेके आते नहीं तो उधर जाते हैं, उधर से लेके आते हैं। कचहरी के अंदर से पानी लेके आना पड़ता है। क्या चाहते हैं, अगर प्याज लग जाए आप लोगों के लिए? हाँ लग जाए तो बढ़िया ना। क्या लग जाएंगे आप? पानी गिरजा चौराहे पानी क्या व्यवस्था है, क्या करना है? यहाँ पर तो सर पानी की व्यवस्था तो अभी नहीं है। अंदर जिला जज के यहाँ लगा हुआ है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कुछ नहीं हुआ यहाँ पर है। लेकिन यहाँ कचहरी खुली है, हजारों वकील हजारों अभ्यर्थी आते होंगे, काफ़ी भीड़ रहती है। बहुत काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ इतनी गर्मी काफ़ी पड़ रही है, यहाँ चौराहे पे प्याज चाहिए। भाजपा ने लालगंज लोकसभा के अतरौलिया विधानसभा में एक मैरिज हॉल में बूथ सम्मेलन का आयोजन किया। बूथ सम्मेलन में मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ व लालगंज लोकसभा सीटें भाजपा जीत रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और वर्ष 2014 के पहले देश की क्या स्थिति थी। उन्होंने कहा कि आप देखते थे कि बम फटता था, देश की स्थिति काफी दयनीय थी, भ्रष्टाचार का आलम और लूट व खसोट था। आज मोदी जी के आने के बाद एक भी बम नहीं फटता, हम शांति व समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। करोड़ों लोगों को अपना पक्का मकान, शौचालय, आयुष्मान कार्ड मिला है। आज सड़कों का जाल है, फोर लेन की सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन उच्चीकृत है। यूपी में 2017 के पहले गुंडागर्दी भ्रष्टाचार था, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, यह हालात थे। लेकिन आज 12 बजे रात में भी अतरौलिया से बेटी लखनऊ जा सकती है सुरक्षित और वापस लौट सकती है। आज शांति व समृद्धि है। कोरोना महामारी से 80 करोड़ लोगों को आज भी अन्न दिया जा रहा है। जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि हर बूथ पर बूथ कमेटी का गठन किया गया है, हर बूथ पर मतदाता सूची के जरिए हर घर के एक एक मतदाता की पहचान कर पार्टी बूथ समिति के सदस्य और कार्यकर्ताओं के समूह को प्रेरित करने का प्रयास करेगी कि ताकि मतदाताओं को वोटिंग के दिन समूह में अपने घरों से बाहर निकाल कर वोट के लिए प्रेरित किया जा सके, ताकि भाजपा के पक्ष में मतदान बढ़ सके। इस अवसर पर लालगंज सुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पूर्व सांसद नीलम सोनकर ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने किया। 17 के पहले के क्या स्थिति थी उत्तर प्रदेश के अंदर और 14 के पहले क्या स्थिति थी देश के अंदर? आप देखते थे कि बम फटता था, देश की स्थिति बहुत दयनीय थी, भ्रष्टाचार का आलम था, लूट खसोट था।
दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो अपने आप 1 रुपया नहीं पहुंचता था। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज एक भी बम नहीं फटता है, शांति और समृद्धि की ओर पढ़ रहे हैं। अपना करोड़ों लोगों का स्वयं का पक्का मकान, करोड़ों लोगों का शौचालय, करोड़ों गैस का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड, आज सड़कों का जाल है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन उच्चीकृत है, फोर लाइन की सड़कें हैं, आप कई ट्रेनें देखेंगे वंदे भारत और हमारे एयरपोर्ट कनेक्ट। उत्तर प्रदेश के भी 14 के पहले उत्तर प्रदेश में 14-17 के पहले क्या स्थिति, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, 5 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता था, ये हालत थी। लेकिन आज 12 बजे रात को भी अतरौलिया से बेटी लखनऊ जा सकती है सुरक्षित और वापस आ सकती है। आज ये गुंडागर्दी माहौल शांत है तो शांति है, समृद्धि है। और 80 करोड़ लोगों को कोरोना वैश्विक महामारी से आज भी सभी को भोजन दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी के साथ है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शेष करोड़ों लोगों का पक्का मकान बनाना है, ऐसे 3 करोड़ का 4 करोड़ बन जाए, 3 करोड़ पक्का मकान बनाएंगे और गाँव की शीशे सड़कें हैं, रोडें हैं, ये सब विकास करेंगे। सर, पूरे आजमगढ़ में 10 विधानसभाएं हैं, सारी विधानसभाएं भाजपा बीते चुनाव में चुनौती तो मेरे सामने, लेकिन लगता है जनता जनार्दन का जैसे उपचुनाव में हमें आशीर्वाद दिया था उसी तरह जनता जनार्दन के इस बार नीलम जी के साथ आशीर्वाद है जनता जनार्दन का। और हमें पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार मैं कार्यकर्ताओं को देख रहा हूँ, जनता और जनार्दन मिलता हूँ, एक तरफा हम चुनाव यहाँ से जीतेंगे। सदन के लिए क्या कहेंगे? सदन भी चुनाव जीतेंगे हमारे निर्वाच। आज हमारे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे बैठक थी जिसमें हमारे माननीय मंत्री जनसंसाधन मंत्री हमारे माननीय सत्यदेव सिंह जी का यहाँ पे आगमन हुआ और इस सभा का हुआ। हमारे सारे कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित रहे, उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया और उसी तरह आगे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, जो ये बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक की गई थी? हाँ, हमारे सभी कार्यकर्ता थे। क्या संदेश देना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को? नहीं, बस यही रहता है कि एक बार बैठना हो जाता है कार्यकर्ताओं के साथ, थोड़ा बैठना समझना हो जाता है, एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का रहता है। कोई नया निर्देश? लोकसभा चुनाव के लिए हो रहे नामांकन के 6वें दिन लोकसभा 69 आजमगढ़ हेतु समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव ने एक सेट में नामांकन दाखिल किया। इसके पहले वह 1 मई को 2 सेट में नामांकन कर चुके हैं। इस तरह से वह 3 सेट में नामांकन दाखिल कर चुके हैं। इनके अलावा रेणु ने निर्दलीय 1 सेट में, आजाद समाज पार्टी से दिनेश सरोज ने 1 सेट में, बीना ने निर्दलीय 1 सेट में, भागीदारी पार्टी से रघुनाथ ने 1 सेट में, भारतीय समता समाज पार्टी से पवन कुमार सिंह ने 1 सेट में एवं आम जनता पार्टी सोशलिस्ट से अनिल कुमार चौहान ने 1 सेट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इसी के साथ ही लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ के लिए सतीराम ने निर्दलीय 2 सेट नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। लोकसभा 68 लालगंज के लिए पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी से राजेश कुमार ने 1 सेट में, आजाद समाज पार्टी से सुभाष ने 1 सेट में एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से गंगादीन ने 1 सेट में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। इसी के साथ ही लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज के लिए सुनील मोदनवाल ने निर्दलीय 1 सेट एवं सुष्मिता सरोज ने निर्दलीय 1 सेट नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया गया। लालगंज से नामांकन करने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी गंगादीन ने बताया कि वह किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी मोर्चे का जो है उम्मीदवार हूं लालगंज सुरक्षित। जी जी, तो क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर मैदान में? देखिए, जनता 10 सालों से भाजपा के शासन में परेशान हो गई है, न बेरोजगारी इतना चरम सीमा पर, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, कोरोना के नाम पर जनता को छला गया, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिससे जनता उब चुकी है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी मोर्चा ने मुझे लालगंज सुरक्षित से उम्मीदवार बनाया है और जो है कि हम पूरे मजबूती से, मेरा दल और लालगंज की जनता जो है हमको उम्मीदवार बनाई है और जिताएगी और हम जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को दूर करेंगे, यही हमारा जो है पार्टी का नारा है और मेरा जो है विश्वास है कि ये सरकार को जल्दी से जल्द हम लोग उखाड़ फेंकेंगे ताकि यहाँ आम आदमी
अमन चैन से जिंदगी जी सके, बिता सके, शिक्षा हो, रोजगार हो। यहाँ रोजगार के नाम पर जो है कि समस्त जो है निजीकरण हो गया है और कोई जो है कि धंधा बचा नहीं है। हमारा नौजवान पढ़ लिख लेगा कौन सा काम करेगा, यही हमारे मुद्दे हैं। हम जनता के सवालों को लेकर के आज यहाँ उम्मीदवारी जो अपना नामांकन करने आए। साइबर क्राइम पुलिस ने सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट फोन, डायमंड नेकलेस व करोड़ों रुपए देने के बहाने साइबर ठगी करने वाले गैंग के सदस्यों से पीड़ित के बैंक खाते में 12 लाख रुपए वापस कराया। पुलिस के अनुसार एक पीड़िता ने 14 मई 2023 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया कि इंस्टाग्राम पर लावरेनेश माइकल ने दोस्ती कर मेरे शादी में महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 32 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी की गई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। उक्त अपराध के सफल अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं ठगी हुए पैसों को वापस दिलाने हेतु विशेष पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ द्वारा 20 जुलाई 2023 को साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ को स्थानांतरित किया गया था। मुकदमे का त्वरित निस्तारण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी एम फ्रॉड हुए पैसे की रिकवरी हेतु पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक विवेक पांडेय के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना निरीक्षक विमल प्रकाश राय के नेतृत्व व मुख्य आरक्षी मनीष सिंह के सहयोग से उक्त अभियोग की विवेचना से 3 नाइजीरियन शातिर साइबर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार कर उसके साथ अन्य सहयोगियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय CGM के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा अपराधियों के बैंक खाते से वादिनी के बैंक खाते में फ्रॉड हुए 12 लाख रुपए को जांच के बाद साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा वापस कराया गया है। पीड़िता द्वारा साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा किए गए कार्य की सराहना की गई एवं ठगी हुए 12 लाख रुपए वापस मिलने पर आभार जताया। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यह अभी भविष्य के गर्भ में है, मगर चुनाव की रणभेरी के धीरे धीरे चरम पर पहुंचने के साथ ही जहां राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगी हैं, वहीं चौक चौराहों, गली मोहल्लों और चाय की दुकानों पर लोगों के बीच कौन बनेगा सांसद और कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में बहसबाजी शुरू हो गई है। खास बात यह है कि लोग चौक चौराहों पर खड़े होकर आपस में बात करते हुए अपने अपने समर्थक उम्मीदवार के समर्थन में विचार व्यक्त करते हुए बहसबाजी पर उतरने लगे हैं। इस संदर्भ में ABC चैनल ने जब जनता जनार्दन से बात की तो लोगों ने बताया कि हर बार चुनाव में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं के साथ लोक लुभावने वायदे करती हैं, मगर सत्ता में आने के बाद न तो निर्वाचित हुआ सांसद दोबारा मुड़कर मुंह दिखाता है और न ही किए गए वादे पूरे किए जाते हैं। मतदाता बाद में अपने आप को ठगा सा महसूस करते रहते हैं। उनका कहना था कि सांसद किसी भी पार्टी का बने, उनका सांसद ऐसा होना चाहिए जो उनके दुख दर्द को समझ सके। उन्हें ऐसा सांसद हरगिज स्वीकार नहीं है जो बनने के बाद मात्र अपने चहेते कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देकर उनके ही सुख दुख में शरीक होता है। लोगों ने कहा कि जनप्रतिनिधि बुनियादी समस्याओं को दूर करने वाला होना चाहिए। आज भी इलाके के लोग बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि अब मतदाता जागरूक हो चुके हैं और ऐसा सांसद चाहते हैं जो उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करवा सके। सर, मुद्दा तो एक ही है कि जनपद का विकास हो, संपूर्ण आजमगढ़ जनपद का विकास हो। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए और ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग चाहते हैं जो हम लोगों के सुख दुख को समझे, क्षेत्र के विकास को समझे, हमारे जो बेसिक समस्याएं हैं, जल निकासी की समस्या, सड़कों की समस्या, नाली नालों की समस्या, इन समस्याओं का निदान करने वाला प्रतिनिधि चाहिए जो कि इन मुद्दों को संसद में उठाए, हम सभी जनमानस की समस्याओं को निदान करने वाला जनप्रतिनिधि चाहिए। कहना सर बस इतना है कि जनप्रतिनिधि हमारा वैसा रहे जो जनपद में रहे और हम लोगों की समस्याओं को तुरंत आकर के देखें, समझें। अगर प्रतिनिधि जो हमारा
शहर का रहेगा, जनपद का रहेगा या जनपद में रहने वाले रहेंगे, तो वो हमारी हर समस्याओं को तुरंत आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं। क्या मुद्दा रहेगा मतदान करने का, किस की क्या सोच कर आप ये मुझे प्रतिनिधि छोड़ेंगे, कैसा हो, कैसा होना चाहिए? मुद्दा मात्र एक है सर, अच्छी जल निकासी की व्यवस्था हो जाए, साफ सुथरा आजमगढ़ रहे, सुशासन की व्यवस्थाएं रहें, बस इतना ही चाहिए जनता को और कुछ नहीं चाहिए। मेरा आजमगढ़ के सभी निवासियों से निवेदन है कि आप सभी लोग 25 तारीख को मतदान करने अवश्य जाएं और पहले मतदान करें उसके बाद जलपान करें, यही हमारा सबसे अपील। मुद्दा तो देखिए विकास का है यहाँ का, आजमगढ़ का देखा जाए तो बहुत ही पीछे है, हम विकास के और जिलों से बहुत पीछे हैं। तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि हमारे आजमगढ़ का विकास हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे स्थानीय मुद्दे हों, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों, मतलब शिक्षा स्वास्थ्य ये सब मुद्दे हैं, और यही सब हमारे मुद्दे हैं विकास, जैसे यहाँ के सभी लोगों का विकास होना चाहिए, जिससे हम हमारे बच्चे यहाँ के रहने वाले सभी लोग का एक अच्छी छवि बने, अन्य जिलों में अन्य देशों में जाएं यहाँ बच्चे कि आजमगढ़ के बच्चे आए हैं यहाँ के, ऐसे एक अलग चीज़ दिखे, और यहाँ लोग आए भी तो देखें कि यहाँ पर एक अलग चीज़ है कुछ। तो जनप्रतिनिधि देखिए यहीं का निवासी हो तो सबसे अच्छा हो, क्योंकि यहाँ के स्थानीय मुद्दों का अगर जो मुद्दा रहेगा वो जल्दी देखेगा, बाहर से आके आदमी उतना नहीं कैश करता ना आता, एक बार जीतने के बाद किसी का पता नहीं चलता है, फिर वो गायब ही हो जाता है। तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ का हो, यहाँ का ध्यान दे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय अगर जिले में बिताएगा तो हमारी समस्याओं का निदान होगा। किन मुद्दे का यहाँ पर मतदान करने जा रहे हैं? मुद्दा तो वही है विकास का, सर्वप्रथम हमारे आजमगढ़ का जल और यहाँ की सड़कें और यहाँ का साफ सफाई और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दे हमारे हैं। हम उसी मुद्दे पर 25 तारीख को मतदान करेंगे। कैंडिडेट का चुनाव किया जाए, अधिक से अधिक मतदान हो, ताकि जो भी देश में सरकार बने अच्छे से बने, अच्छे लोग जाएं, जनप्रतिनिधि अच्छे रहें, यही है। मुद्दा क्या रहेगा, मुद्दा किस मुद्दे के आधार पर? विकास का मुद्दा रहे, विकास, जहाँ हम रहें विकास रहे, जिसे हम आजमगढ़ हैं, फिलहाल विकास तो हो ही रहा है, और अच्छे तरीके से विकास हो। जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि अच्छा रहेगा तभी विकास होगा। कोरोना काल, शिक्षा, एजुकेशन, भ्रष्टाचार, ये सब सोचकर जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब करीबी का होना चाहिए, जो हमारे बारे में सोचे, अच्छी एजुकेशन लाए, शिक्षा लाए, विकास पर, विकास विकास के बारे में सोचे। ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए जी, आप बोलो ना, ऐसा जनप्रतिनिधि, ऐसा ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए। 25 तारीख मतदान करेंगे आप जी, क्या करेंगे? जो आजमगढ़ के बारे में विकास करे, अच्छी एजुकेशन लाए, अच्छी शिक्षा लाए, अच्छा बिजनेस सोचे, अच्छा स्किल सोचे, ऐसा आज के मुद्दों पे मतदान करना चाहेंगे। और रही बात प्रतिनिधि की, तो प्रतिनिधि हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, पढ़े लिखे हों, पूरी जानकारी हो, जो कि जिससे विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मुद्दा क्या रहेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विभाग, बेरोजगारी, महंगाई? देखा जाए तो सभी चीज़ों में विकास जरूरी है, स्वास्थ्य विभाग भी सबसे प्रथम प्राथमिकता इस समय बनती जा रही है सबकी, तो इस क्षेत्र में भी विकास बहुत जरूरी है। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के एक्टिविटी के क्रम में शनिवार को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से लेकर कक्षा दूसरी तक के बच्चों ने प्रतिभाग किया। आपको बताते चलें कि प्रतियोगिता में बच्चों को विभिन्न थीम दिए गए थे, जिसमें नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के लिए फ्रूट्स, फ्लावर एवं एनिमल, और कक्षा एक व दो को साइंस और टेक्नोलॉजी थीम दिया गया था, जिसमें बच्चों ने फलों के राजा आम, सेब, संतरा व विभिन्न प्रकार के फूल एवं जानवरों के प्रतिरूप परिधान में प्रतिभाग किया। सभी बच्चों ने जानवरों से प्रेम करने का संदेश दिया, तो कहीं विभिन्न प्रकार के फलों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताया।
कक्षा 1 व 2 के बच्चों ने साइंस एवं टेक्नोलॉजी पर एस्ट्रोनॉट, लैपटॉप कंप्यूटर, रॉकेट, चंद्रयान 3 के परिधानों के द्वारा साइंस के उपकरणों को दर्शाया। विद्यालय के प्रबंधक डीपी मौर्य ने बताया, हम लोगों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता इसलिए बच्चों के बीच कराया ताकि उन्हें फ्रूट्स, फ्लावर्स एवं एनिमल्स के बारे में जानकारी हो और वह जानवरों से प्रेम करें। इसके साथ ही हमारे देश में विकसित हो रहे नए तकनीकियों से वे परिचित हो सके। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3-व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड पीयू हाफ एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3-व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, अ CBSE बोर्ड कोएड इंग्लिश मीडियम स्कूल, अ प्लेस फॉर योर लवली किड्स इन योर नियर बाय विसिनिटी। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल फोकसेस ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child by training their minds and body for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. Niswa Girls College Paharpur, Azamgarh ke sabse purane colleges mein se ek hai, jo 1938 se vigyan, vanijya, kala ke kshetr mein utkrisht shiksha pradan kar raha hai. इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशन के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट RTO ऑफिस, भदली बाजार, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध।
इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल निया RTO ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। अफिलियेटेड टू CBSE। एडमिशंस ओपन फ्रॉम क्लासेस नर्सरी टू 9 एंड 11। जहां है हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, एडवांस लैब्स, मैग्निफिसेंट लाइब्रेरी, ह्यूज प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस, सेपरेट ग्राउंड फॉर प्री नर्सरी, सेपरेट क्लासेस अवेलेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। वी ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, म्यूजिक, स्मार्ट क्लासेस एंड मेनी मोर फैसिलिटी अवेलेबल। डेरिन सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, एक्सपीरियंस टीचर्स, मॉनिटरिंग विद CCTV कैमरा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डैलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़।